नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आप सब लोग का स्वागत है मेरे चैनल टिडबिट डेलिकेसीज पे। आज मैं आपके लिए एक छोटी रेसिपी लेके आई हूँ। उसके पहले उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर पे सुरक्षित हैं और अपना और पूरा परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं। चलिए देखते हैं ये रेसिपी क्या है। आपने शायद ज़्यादा सुना भी नहीं रहेंगे और खाए भी नहीं रहेंगे। ये है लेमन कुकीज़। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बिना ओवन के बनाते हैं। आज मैं इधर मैदे का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहे तो गेहूँ यानी आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 कप मैदा, 1 कप पिसा हुआ शक्कर, 1/2 कप मक्खन, 4 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 अंडा वो भी रूम टेम्परेचर में, और लास्ट में ये जो लिया है ये है लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट यानी लेमन का छिलका एक कैची या फिर एक पीलर से एकदम पतले से कट करना है और उसको छोटे छोटे स्लाइसेस करना है। ये हमारे कुकीज को एक अच्छा फ्लेवर देते हैं। सबसे पहले हम मक्खन और शक्कर को एक विस्कर या फिर एक स्पून की सहायता से अच्छे से फेंट के लेना है। 3-4 मिनट ऐसा फेंटने से एक फ्लफी मिक्सचर मिल जाता है हमें। उसके बाद जो रूम टेम्परेचर का अंडा है उसको तोड़ के डालना है। याद रखिएगा, अंडा पहले ही फ्रिज से निकाल के रखिए। वो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 1/2 लेमन जेस्ट इसमें ऐड कर रहे हैं और नींबू का रस जो नाप के रखा है उसमें से 3 टेबलस्पून अभी ऐड करना है। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए, वो हटा के रखिए। ये मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 छुटकी भर नमक। ये तीनों चीज़ मिलाइए और इसके बाद आप हाथ से या फिर स्पून से ये डाव को बना सकते हैं। ध्यान दें, अगर हाथ से बना रहे हैं तो उसको अच्छे से गूंदना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से ये डो बना के लेना है। कभी भी कुकिंग डो हम बनाते हैं वो थोड़ा टाइम रेफ्रिजरेट करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आते हैं। तो ये जो डो है इसको हम 20 या 30 मिनट तक रेफ्रिजरेट करेंगे। जैसे मैंने आपको टाइटल में बोला था, हम इधर बिना ओवन के कुकीज़ बना रहे हैं, तो आपके पास जो भी एक प्रेशर कुकर रहेगा उसमें ही हम ये कुकीज़ को बना सकते हैं। प्रेशर कुकर का विसल और गैसकेट निकाल दीजिए और उसको एक 5 मिनट हमें प्रीहीट करना है। तो मैंने इधर थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल किया है, बिना नमक के भी आप कर सकते हैं। इतना ही है कि नमक का अगर हम यूज़ करेंगे, नमक थोड़ा अच्छा सा हीट देता है, हीट को बना के रखता है, तो ओवन जैसा ही एक हीट मिलता है तो जल्दी कुकीज़ बनते हैं, बेकिंग ईजिली होता है। तो चलिए उसके बाद हमें लेना है कि मॉल्ट। इधर हम कुकी मॉल्ट नहीं बल्कि हमारे पास जो इडली स्टैंड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो इडली स्टैंड है इसमें भी हम अच्छे से अच्छे बिस्किट्स बना सकते हैं। तो जब भी आप कुकी डो नाप कर लेते हैं ना, एक ही नाप लेने को ध्यान रखें, क्योंकि जो हीट में ये जब बेक होगा सब अच्छी तरह से इवनली बेक हो जाएगा, नहीं तो एक एक कुकीज़ कभी कभी जलने का चांसेस है। तो आपके पास आइसक्रीम स्कूप रहेगा तो ईजिली आप नाप के ले सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसा एक स्पून लीजिए, उसमें 1/2 भर के ले लीजिए। आपको अगर गोल वाला कुकीज़ पसंद है तो ऐसा कीजिएगा, या फिर फ्लैट वाला कुकीज़ चाहिए तो इसको जो राउंड करने के बाद थोड़ा सा प्रेस करके रखना है हमें, जो शेप में चाहिए हम ऐसा बना सकते हैं। तो सभी स्टैंड में हम भर के रख रहे हैं। इसको बेक होने के लिए मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा देर नहीं रखिएगा, क्योंकि ये जो कुकीज़ है जल्दी जलने लगते हैं, केक जैसा नहीं है। 20 मिनट काफ़ी है इसको बेक होने में। अभी देख लिए, 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्राउन शेड आने लगा तो मैंने इसको निकाल दिया है। और कभी भी आप बाहर जब कुकीज़ निकालते हैं वो थोड़ा नरम लगता है आपको, लेकिन कोई टेंशन नहीं, ये जो कुकीज़ है थोड़ा टाइम के बाद ही वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आता है, बिस्किट जैसा क्रंची हो जाता है। अभी मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है वो कितना सुंदर आया हुआ है। ऐसे ही आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा और टॉपिंग दे रही हूँ जिससे ये ज़्यादा खट्टा और मीठा टेस्ट देगा आपको। तो आपके घर में किसी को खट्टापन ज़्यादा पसंद नहीं है तो ऐसे ही खाने दीजिए, किसी को अगर ज़्यादा पसंद है तो उनको ऐसा टॉप करके भी आप दे सकते हैं। टॉपिंग के लिए मैं एक्चुअली लेमन ग्लेज बना रही हूँ। लेमन ग्लेज यानी हमने जो नींबू का रस और लेमन जेस्ट हटा के रखा था अलग से, वो दोनों के साथ 1 टेबलस्पून पीसा हुआ शक्कर ऐड कर देने का। तो हमारा लेमन जेस्ट लेमन ग्लेज रेडी है। तो ये लेमन ग्लेज को थोड़ा सा वो कुकीज़ के ऊपर टॉप करके खाएंगे ना, बहुत खट्टा मीठा स्वाद देता है वो,
और ऊपर से ये रेफ्रिजरेट करके खाएंगे तो ये शक्कर वगैरह उसके ऊपर एकदम क्रंचीनेस देता है। तो जिसको ऐसा खाना है उनको ऐसे ही बना के दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हो गया हमारे छोटे से छोटे रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा जो ये चैनल है टिटबिट डेलिकेसी, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा रेसिपीज अपलोड करूँगी तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना ही है। तो सब लोग अपना ख्याल रखिए और स्टे ट्यून्ड माई चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं ये हिंदी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। एक महीने से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ लेकिन वो मेरा मदर टंग मलयालम में कर रही हूँ। तो आपको इसके बारे में जो भी आपका वैल्यूबल कमेंट्स है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, बाय बाय, थैंक यू।